सर, ये तो लंबे अरसे से लंबित और बहुत सी उम्मीद जगाए हुए एक विधेयक है और चार एक साथ हम ले आ रहे हैं। जब संविधान संशोधन हम किए थे तभी बैनर हेडलाइन था कि वन नेशन वन टैक्स, जैसे उस वक्त लागू हो गए। हम उस वक्त भी कहे थे कि उससे हम प्रावधान रखे हैं, और जैसे अभी वित्त मंत्री जी ने आज कहा कि हमारे संविधान के जो स्थिति है उससे हमने ये कानून बनाने के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर्स की जो इख्तियार थे और संसद के थे उसको हमने एक साथ पुल किए हैं। हमारे देश के सॉवरेनिटी हमारी जनता की है, वी द पीपल, और वो पार्लियामेंट के जरिए उसे हम व्यवहार में लाते हैं। तो मैं समझता हूँ एक अंदेशा ये है, क्योंकि ये बिल भी इसमें काफ़ी बात आए, रेट के बारे में आए और बाकी सब, मैं आऊँगा भी कुछ अगर समय परमिट करता है तो, लेकिन हम कहीं पार्लियामेंट को रिप्लेस तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे बिल को ये बात तय है कि एम्पावर्ड कमिटी, फिर फाइनेंस मिनिस्टर्स की कमिटी, जीएसटीसी जो काउंसिल, उन्होंने तफसील से बात की है, लेकिन जो हम इतने फार रीचिंग चेंजेस जिसे आप गेम चेंजर बोल रहे हैं, और वो हम जब ले आ रहे हैं तो संसद में जिस महत्व के साथ, जिस प्रावधान, हाउ वी डू दिस लेजिस्लेटिव बिजनेस, और संसद के सब बार बार ये याद दिलाया जाता है कि हमारा ये काम है कानून बनाना, तो कानून बनाने के इस पूरे प्रक्रिया को, प्रकरण को हम कहीं आउटसोर्स तो नहीं कर रहे हैं? वरना आप अगर देखें शुरू से ही, मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूँ, बहुत से जो पहली बार हो रहे हैं उसमें ये भी है, आप अगर देखें कि इस जीएसटी रिलेटेड मामले में कितने बार हमने सस्पेंडेड ऑफ रूल्स की वो मोशन रखे हैं और हमने यहाँ पारित किए हैं कि रूल सस्पेंड करो, ये आज तक का मामला है। चार, हम इतने फार रीचिंग जब ले आ रहे हैं तो हमारी अपनी तो प्रकरण है, लेकिन अभी ये कहा गया, कानून मंत्री कहे कि जो बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो आप इतने जल्दी में क्यों किए, बोले नहीं जब कैबिनेट में पास कर दिया था तो हम संगे संग वेबसाइट में डाल दिए थे, तो वेबसाइट में देख लेना चाहिए था, जब इसको इंट्रोड्यूस करने के बारे में हमने कहा कि नोटिस तरह से नहीं मिले। तो ये मैं फ्रैंकेस्टाइन नहीं कह रहा हूं, लेकिन आजकल तो विज्ञान में वो क्लोनिंग होता है ना, क्लोन, तो हम कहीं संसद के क्लोन जीएसटी काउंसिल को बना दे, और बाद में जबकि नैतिकता के आधार पर ह्यूमन क्लोनिंग को भी हम मना किए हैं कि विज्ञान अगर वह स्थिति बनाती भी है तो क्लोन नहीं करना चाहिए, वरना भविष्य में क्या स्थिति होंगे। मैं सिर्फ अपनी संख्या जो है उसे मैं बैक कर रहा हूं, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं। आप अगर देखें तो ये हम जो पूरे देश में, जब 70 साल की बात याद दिलाती है तो ये इधर उधर पक्ष की बात नहीं है, 70 साल से हम जब इस देश को विकास के जो रास्ता लिए हैं, कभी जैसे भी उसकी स्पीड हम कम बड़े बेसी करें, लेकिन वो एक पूंजीवादी विकास का रास्ता है, और उसके आधार पर आप जब ये ग्लोबलाइजेशन हुए और न्यू लिबरलाइजेशन हुए तो उसका ये लॉजिकल कंक्लूजन था, वन नेशन वन टैक्स, चूंकि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा टैक्स प्रोसीजर को, और हम फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, जो ग्लोबलाइजेशन में, ये जो WTO राउंड में पूरे वर्ल्ड के बारे में जो कहा जा रहा है वो गुड्स के बारे में कहे हैं, लेकिन सर्विसेज के बारे में उनके बहुत से, अभी ट्रंप के भी देखिए वो दीवार उठा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे थे पूरा वर्ल्ड एक विश्व है, एक गांव है, अब वो कह रहे नहीं, इस गांव के अंदर भी प्राचीर उठाना पड़ेगा। हाँ, हमें अपनी बात को कहने दीजिए, आप हर बात में टिप्पणी क्यों करते हैं? नो सर, ऐसे हमारा लिमिटेड टाइम है, नो क्रॉस टॉक, ऐसा कीजिए भाजपा के जो समय है उसको हमें दे दीजिए थोड़ा, ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, हमें बोलने का हक है संसद में, प्लीज कंटिन्यू। आप किसी क्लोन के बारे में, मैं कह रहा हूं आपको क्यों विवाद हो रही है, आप तो ओरिजिनल पार्लियामेंटेरियन है, आप तो पार्लियामेंट के क्लोन नहीं है। सर, मैं ये कह रहा हूं कि विकास का जो रास्ता लिया गया उसका ये पड़ाव है, और एक के बाद एक पड़ाव हम तय किए हैं, चाहे हमें उसके, हमारे बारे में शंका हो, चाहे हमें परेशानी हो, चाहे हमें हमारा आपत्ति हो, लेकिन ये कोर्स है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम UPO 1 को हम सपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त के वित्त मंत्री तारीख तय कर दिए थे कि 2010 के 1 अप्रैल से GST चालू होगा। सुन लीजिए, तो मैं कह रहा हूं हमें बोलने का हक है या नहीं?
आपको नहीं है, आपको अपने सरकार, अपने पार्टी, अपने प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमें है, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा अपनी है। खैर सर, जो मामला मौली साहब ने रखे, बहुत सी बात जिसमें मैं सब बारे में सहमत नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा, वो उन्होंने कहा है। मेरा मानना यह है, पहली सवाल तो यह है कि जब हम वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, तो अभी जब जैसे हमारे प्रधानमंत्री अभी कह भी रहे हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे के बाद एम्बोल्डेंड हुआ है कि ये न्यू इंडिया, नए भारत। अब हमारा तो भारत है, पुराना भारत ही है, इतने दिन तो हम 5000 साल की परंपरा की बात कर रहे थे, अपने धरोहर की बात कर रहे थे, पुरानी सभ्यता की बात कर रहे थे, ये नई बात नहीं है। ये भी जब हमारे वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी, तो उस वक्त वो कहते थे एनलाइटेड इंडिया, आपको याद होगा। तो एनलाइटेड इंडिया में उन्होंने जब जो ये प्रकरण ले आए, जब कानून ले आने का या पॉलिसीज ले आने का, तो वो कहे कि एनलाइटेड इंडिया के लिए एनलाइटेड पॉलिसीज होंगे, तो हम सब लोग नॉट सो एनलाइटेड। और आज जो है, अब जो नए न्यू इंडिया है, तो न्यू पॉलिसीज आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन ये पॉलिसी नया नहीं है, ये एक धारा से चला है, और बीच में रुकावट भी आए हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी आए हैं, उसके बाद एक पड़ाव में हर पड़ाव को हम पार किए हैं। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ जो वास्तव है, मैं तारीख में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसका मकसद क्या है। वो जो अर्थनीति हम पूरे विश्व में भी जो चालू है, डाभोस से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जो कहते हैं, हमारे यहाँ जो एक के बाद एक जो समिट्स होते हैं उसमें जो कहा जाता है, तो ये जो अर्थनीति का जो मामला है, व्यापार का जो मामला है, व्यवसाय का जो मामला है, जहाँ मुनाफे कमाए जाते हैं, बेशक वो तो कमाए जाएंगे इसलिए व्यवसाय करते हैं, तो वो जो है उसका एक यूनिफाइड मार्केट हो, यूनिफाइड मार्केट और डिवाइडेड पीपल। हमारी राजनीति और अर्थनीति दोनों दो एक कदम से चले एक के बाद एक, तो अच्छी बात है। लेकिन क्या हो रहा है, जो लोकलाइज, जो हमारी सभ्यता की बात करते हैं, धरोहर की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, धर्म विश्वास की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, मोरलिटी की बात करते हैं, हम इतने दिन तक पूरे विश्व में ये कहते हैं 5000 साल से कि ये जो होता है यूनिवर्सल वैल्यूज है। जब गौतम बुद्ध कुछ प्रीच किए तो वो भारत के लिए नहीं, वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं, नेपाल के लिए नहीं, वो पूरे विश्व के लिए, ऐसा ही धरोहर होता है। लेकिन आज ये हो रहा है कि हम उस दर्शन को, उसको हम लोकलाइज कर रहे हैं, पैरोकलाइज कर रहे हैं, और जो बाजार है, जो मार्केट है, उसको यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं। ये डाइकोटॉमी की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छी बात है। अब बेशक हम कहेंगे आप तो मजदूरों को तोड़ोगे, एकता को तोड़ोगे, ये तो चलेगा ही। खैर, आप अंडमान से यहां तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बधाई देता हूं। खैर, इसमें मैं ये कह रहा हूं, एक तो कृषि, सर प्लीज प्रोटेक्ट मी, कृषि जो है नहीं, खेती, खेती को और कृषि को हम जिस तरह से, हम जल्दी के लिए मैं अपने टॉपिक में चला रहा हूँ, मैं वो भूमिका नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक सोचे समझे आप स्टेप्स ले रहे हो। और मैं नहीं जानता, जब पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा आपत्ति किए, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ और कृषि के लिए हमें गौरव है वहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत, पूर्व भारत, लेकिन किस लिए बंगाल सरकार इसकी आपत्ति नहीं की मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये धीरे धीरे आप टैक्स नेट बढ़ाने के नाम पर और वो टैक्स कलेक्शन के नाम बारे में जो है खेती को और कृषि को, ये डेफिनेशन के नाम पर आप उसको अंदर में लाने की कोशिश कर रहे हो, जो मेरे लिए, मैं समझता हूँ हमारे तरह देश के लिए ऐसे ही कृषि में समस्या है, ऐसे ही कृषि पिछड़ रहे हैं। और 70 साल से जो विकास हुए हैं, जिस तरह से वो नगर केंद्रिक और पूंजी केंद्रिक और फैक्ट्री केंद्रिक हुए हैं, वो खेती केंद्रिक, किसान केंद्रिक, गाँव केंद्रिक नहीं हुए हैं। तो मैं उसको, ये जो इम्बैलेंस है हमारा, अपार्ट फ्रॉम रूरल इंडिया अर्बन, जो रीजनल इम्बैलेंसेस है, तो इसमें हम क्या करते थे, जब उद्योगिक घराने को हम जब बढ़ोतरी, बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक केंद्र सरकार और प्रांत सरकार कुछ एरियाज को, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न को, हम आप अगर टैक्स हॉलीडेज, टैक्स एग्जेम्पशन, ये सब तो देते थे। अब आप जब वन इंडिया वन नेशन कर रहे हो, तो कुछ तो हमारे लैडर में डेवलपमेंट के कुछ आगे बढ़ा हुआ है, कुछ पीछे हटा हुआ है, उसमें कुछ कंसिडरेशन आपने रखा है, 20 लाख, 10 लाख, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारी जो
पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ विकास न्यू इंडिया में उसको हम शामिल करेंगे या नहीं और किस तरह से करेंगे। जैसे मैं उत्तर बंगाल से आता हूँ, जबकि हमारा मांग इतने दिन ये था कि पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ चूंकि हमारे राज्य का हिस्सा है लेकिन उत्तरी बंगाल का जो हिस्सा है उसको उसी तरह के दर्जा में ले जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आज ये एक दुविधा में हम खड़े हो रहे हैं जहाँ पे ये जो विशेष प्रकरण किए जाते थे उसमें स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से हम चाहते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हम कौन से इकदाम उठाएंगे जहाँ पे ये बढ़ावा देना। जैसे मौली जी ईपीजेड एसीजेड के बारे में कहे हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसको उसके लिए प्रावधान। सर प्लीज़ आप जस्ट आप कंक्लूड करिए। नहीं नहीं प्लीज़ सर मैं ये कहा हूँ कल नो आई सीरियस थिंग दो मिनट हम 8 घंटा की चर्चा मांगे हैं 2 मिनट में और जीएसटी में 4 बिल हम एक साथ कर रहे हैं आज ही हम पास करेंगे। हम मेंटल हेल्थ के बारे में बढ़ाते गए चर्चा और इसको हम 1 घंटा 2 घंटा बढ़ा नहीं सकते। ये तो पूरे देश को मालूम होना चाहिए। 6 आवर्स है डिस्कशन। अब पूरे सदन में जब बात रखेंगे आपका बात रखिए ना 2 मिनट में प्लीज अलाउ मी देन प्लीज अलाउ मी सर बात को। तो मैं समझता हूँ सर नहीं घंटी बजाने से हमारा तो इधर से उधर घंटी नहीं बजना चाहिए। ये जो कंपेंसेशन की बात आई थी कि राज्य सरकार को कंपेंसेशन दिया जाएगा क्योंकि पूरा मामला तो यही था कि राज्य का जो अख्तियार है आप राज्य सरकार चला रहे हैं बहुत से ज़्यादा तो आप ही चला रहे हो अभी कि उनका जो रिसोर्स मोबिलाइज करना अपने स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए उसके इख्तियार के बारे में तो सबसे बड़ा संविधान संशोधन में ये मामला था और उसे कंपेंसेशन करने की जब बात आई तो आपने क्या कर रहे हैं आप जो क्लॉज ले आए हैं जो 40% है उससे ऊपर जो सीन वाला मामला है लग्जरी गुड्स है उसको बंगला में एक कहावत है बोलते हैं माछे तेले माछ भाजा और अगर बहुत से वेजिटेरियन हैं तो मछली के बारे में अगर नहीं कहूं तो गंगा जले गंगा पूजो गंगा के सिर्फ पानी से ही गंगा जी का पूजा करना। तो आप वित्त मंत्री बजट लाते समय कहे कि इम्बैलेंस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स सबको देना पड़ता है जीएसटी इज एसेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स और उस समय हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स को हम कम करने की घोषणा किए हैं लेकिन जीएसटी के बारे में हम जो भी आप जिसमें भी जो टैक्स लगाओ वो आखिरकार सबके ऊपर स्प्रेड होता है जो रिच एंड पुअर का जो डिवाइड है वो बढ़ता रहेगा वो घटेगा नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पाल हमारे संविधान में ये निर्देश था कि स्टेट जो है वो रिसोर्स मोबिलाइज करेंगे किस तरह से जो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको किस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए और गरीब और अमीर के अंदर जो खाई है उसको कम किया जाए। आप नहीं पिछले 25 साल से अगर आप देखेंगे तो अमीर और गरीब के लिए प्लीज टाइम खत्म हो गया। नो सर मुलायम सिंह प्लीज सर प्लीज मुलायम आपका टाइम खत्म हो गया प्लीज नो टाइम सर हमारे कुछ अमेंडमेंट्स हमने मूव किए हैं 2 मिनट आई नॉट टच अपॉन द अमेंडमेंट्स व्हेन अमेंडमेंट्स विल बी टेकन अप द मेंबर्स हु हैव इशूड दिस 2 मिनट दिए आप द मेंबर्स हु हैव गिवन दिस प्लीज 2 मिनट आप बोले सर नहीं 2 मिनट आप कर लिया है 2 मिनट आप दो मिनट आप दीजिए नेताजी बोल रहे हैं कंक्लूड करें नेताजी कह रहे हैं 2 मिनट दीजिए सो अमेंडमेंट्स विल बी टेकन अप एंड यू विल अलाउ देम जब अमेंडमेंट्स की डिस्कशन होंगे तो उनको बोलने दिया जाए अमेंडमेंट के बारे में लेकिन आप सीन आइटम और लग्जरी आइटम में बीड़ी को भी शामिल किए हैं। बीड़ी में कितने लाख लोग कितने करोड़ काम कर रहे हैं मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ बाकी स्टेट में भी है। अब सिगरेट के साथ बीड़ी का जो कंपटीशन है या शराब के साथ है तो आप मैं टोबैको के खिलाफ हूँ लेकिन आप कौशल की बात कर रहे हो क्या उसके विकल्प कुछ बंदोबस्त किए हैं बीड़ी वर्कर्स के जो हमारे महिलाएं हैं गरीब से गरीब लोग काम करते हैं। मैं समझता हूं ये जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसके बारे में कम से कम बीड़ी को एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है आप बीड़ी को उसके बाहर से रखें। और मैं समझता हूं सर नहीं मेरा स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है IGST में जब अमेंडमेंट की बात बताएंगे प्लीज एनाबलिंग है उसको निकालने बोल रहे हैं हम सर फिर देखिए समय तो ले लेते हैं सर मैं समझता हूँ प्लीज सर अलाउ मी जीएसटी को मिलकर सहमति के साथ कर रहे हैं लेकिन संसद का जो महिमा है और गरिमा है वो ताकि कम नहीं हो भविष्य में हमारा जो इख्तियार है नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड मुलायम जी बोले सभापति जी